हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ नई अपडेट यहाँ पे निकल के आई है। आज की डेट यानी कि 29 फरवरी 2020 यहाँ पे 2769 करोड़ का माल जो है ऑलरेडी बिक गया। भाई आज की डेट में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, इतना माल तो ऑलरेडी बिक गया है। और सबसे अच्छी खबर जो बड़ी निकल के आ रही है, HDFC म्यूचुअल फंड आगे आया है खरीदने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है डरना मत। अब आप देखिए यहां पे बहुत सारे लोग, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट है, बहुत मंदी है, हर कोई जानता है, तो कई लोग आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे। जरा देखें क्यों, क्योंकि वो डरेंगे यहां पे, डर के मामले की भाई आईपीओ की लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें देखेंगे, देख के डरेंगे। लेकिन उस डर के लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और उस डर को निकालने का, देखिए डर नहीं पालना है, डरना नहीं है, अप्लाई तभी करना है जब अच्छा लगे। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस आईपीओ के बारे में डिटेल में थोड़ा सा। ये 2769 करोड़ का माल बिका है, इसके बारे में भी जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आपके पास अब तक डीमैट अकाउंट ही नहीं ओपन किया, भाई आईपीओ जो है 2 से 6 तक है, 2, 3, 4, 5, 2 से 6 नहीं, 2 से 5 तक है, तो अभी भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उन पर क्लिक करके जल्दी से डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, तभी तो आप आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। अब सीधे लेके चलता हूं मैं आपको इस खबर की तरफ, बड़ी खबर है, जरा ध्यान से सोचें और समझें। आईपीओ बड़ा है, आईपीओ अगर आप प्राइसिंग एंड ऑल देखोगे तो मोर देन 10,000 करोड़ का आईपीओ है। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नाम आगे आएंगे। पिछले कुछ टाइम में जैसे कि आपने देखा होगा कि IRCTC ने जो रिटर्न दिए हैं आईपीओ के मामले में, वो बहुत ही बड़े रिटर्न दिए हैं और आपके पैसे को 5-6 गुना उसने कर दिया है 3-4 महीनों के अंदर। इसीलिए जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर सब आगे आएंगे और कोशिश करेंगे। और अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे है, तो अलग अलग कैटेगरी में जैसे NII की है, QIB के कैटेगरी है। और बहुत टाइम से मैं आपको कहता आया था कि एक शेयर SBI का खरीद के रख लो तो आप क्या हो जाओगे, शेयर होल्डर कैटेगरी में आ जाओगे। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में जब आप आओगे तो वहाँ पे बहुत कम सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर होल्डर ऑलरेडी नहीं होते। रिटेल इन्वेस्टर जब आता है, देखिए रिटेल इन्वेस्टर रिटेल कैटेगरी में लास्ट टाइम पे सब्सक्राइब कर लेगा, और बहुत सारे लोगों के ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि मैं एक शेयर खरीद के रख लूँ। जितने भी आपके पास डीमैट अकाउंट थे, लेकिन अब उसका टाइम तो चला गया है, वो तो हमने बहुत पहले 2 महीने पहले बता दिया था कि भाई एक शेयर खरीद के रख लो, 320 रुपये का शेयर था तब के टाइम पे। लेकिन अच्छी बात यह है, तो आपने अपना रिजर्वेशन कर लिया होगा किस चीज़ के लिए, शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। अच्छी बात यह है कि ये आईपीओ जो है बहुत बड़ा आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ से मेरा मतलब है यहाँ पे मार्केट शेयर की जब बात करते हैं तो HDFC के क्रेडिट कार्ड के बाद SBI का ही क्रेडिट कार्ड है। मार्केट शेयर अगर आप देखो तो इट इज़ मोर देन 17% का मार्केट शेयर इस क्रेडिट कार्ड का है, तो बड़ा शेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो CAGR है इनकम का, वो मोर देन 44% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग शेयर है, आप इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग हो रही है। देखिए 372 करोड़ से 601 करोड़, अभी 862 करोड़, तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। एंड इवन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑलमोस्ट 1161 करोड़ के आसपास खाली दिसंबर के नंबर्स गए हैं, तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। और आईपीओ जो खुलेगा, एक दिन एक्स्ट्रा खुलेगा, जनरली आईपीओ 3 दिन ही खुलते हैं, लेकिन ये आईपीओ मार्च 2 से मार्च 5 तक खुलने वाला है, यानी कि 4 दिन तक आईपीओ में आपको जो है ओपन का जो मौका मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 755 रुपये का अपर बैंड है, तो आपको क्या देखना है, इस बात को देखें, इस खबर को देखें और समझे आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो, आज की डेट जो है 29 फरवरी, और आप यहाँ पे देख सकते हो 29 फरवरी को 2,759 करोड़ का जो माल है, 69 करोड़ का माल जो है, वो एंकर इन्वेस्टर ऑलरेडी उठा चुके हैं। और यहाँ पे ये बड़े इन्वेस्टर के लिए कोई रियायत नहीं है, सबको जो माल बेचा गया है वो 755 रुपये पे बेचा गया। तो इस बात से एक चीज़ समझ लीजिए, आपको बिडिंग नहीं करनी है, आपको टिक मार्क मारना है कट ऑफ प्राइस पे। जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर को कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इनको भी सीधे ऐसे कोई थोक के भाव नहीं दिया, वही रिटेल वाले प्राइस पे दिया, तो आपको भी यही प्राइस मिलेगा। दूसरी चीज़, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज़ रेज्ड, ये जो देखिए इसमें जो 74 एंकर इन्वेस्टर है, उसमें बड़े नाम जो सामने निकल के आ रहे हैं, एक तो सिंगापुर गवर्नमेंट है, एक मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, HDFC म्यूचुअल फंड का नाम सामने निकल के आ रहा है, और साथ में गवर्नमेंट पेंशन फंड, बिरला म्यूचुअल फंड का नाम सामने निकल के आ रहा है। तो ये बड़े बड़े फंड हाउसेस ने, टोटल 12 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पे शेयर्स खरीदे हैं।
और वो शेयर जो है एलोकेट जो उनको किए गए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मैं देखूँ तो 3,66,00,000 शेयर्स, 3,66,00,000 से ऊपर ये नंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कोई रियायत, कोई डिस्काउंट किसी को नहीं मिल रहा, तो ये तो भूल ही जाइए कि आपको भी कोई डिस्काउंट मिलेगा। तो इसलिए बिडिंग ऊपर ही करनी है। और डर की बात जो मैं आपको बता रहा था कि डरना मत, देखिए डर की बात ऐसी है कि डर का माहौल जो मार्केट में बना हुआ है, अब आप इस IPO में देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करेंगे, बहुत सारे लोग डर के कहेंगे यार मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, नहीं अप्लाई करना है। तो उसकी उस चीज़ के लिए एक ब्रह्मास्त्र आपके पास है। वो ब्रह्मास्त्र ये है कि आपको ये नहीं कि 2, 3, 4 तारीख को अप्लाई करना है, लास्ट दिन, आपने सुना होगा पहले बचपन से करते आ रहे होंगे यार, लास्ट डे अप्लाई एप्लीकेशन भरते हैं, तो लास्ट दिन आपको 12-1 बजे देखना कितना अलॉटमेंट हो चुका है। अगर अलॉटमेंट 5 गुना 7 गुना से ऊपर हो जाता है लास्ट दिन के 12-1 बजे तक, तो भाई अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और लेकिन अगर अलॉटमेंट जो है वो कम होता है, अलॉटमेंट नहीं मैं कहूँगा सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन जो है वो कम होता है, यानी कि 5 गुना 7 गुना से कम होता है यहाँ पे, तो आपका डर जो है वो जायज़ है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन, अभी इसीलिए यही बात हो रही है क्योंकि जो डर फैला है वो बहुत पूरे ऑल ओवर द, मैं कहूँगा ग्लोबल लेवल पर वो डर फैला है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। इस डर के लिए आपका यही ब्रह्मास्त्र है, लास्ट दिन पे 12-1 बजे अपने नंबर्स देखिए। ऑल्दो मैं आपको बता दिया करता हूँ, चैनल पे बने रहेंगे तो मैं एक पोस्ट डाल दिया करता हूँ, वीडियो के थ्रू नहीं, नॉर्मल कम्युनिटी पोस्ट में आपको डाल दिया करता हूँ कि हाँ इतना गुना सब्सक्राइब हो गया है, अटैक कर लो। और जैसे ही आप अटैक करते हो उसके ऊपर देखिए सब्सक्रिप्शन भी बढ़ता रहेगा। और बड़े बड़े इन्वेस्टर इस बात को ध्यान रखें, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो लास्ट डे ही सुबह से अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे से अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो रिटेल इन्वेस्टर मुझे लगता है कि उसको भी अपने पैसे को बचा के रखना चाहिए और लास्ट दिन घुसना चाहिए, क्योंकि पैसा 2 तारीख को ब्लॉक करोगे तो कोई फायदा तो है नहीं। तो पैसा अगर ब्लॉक करना है तो सीधे 5 तारीख को कीजिए ना, 3 दिन तो आपके पास बचेंगे और उस कैपिटल को यूज कीजिए कहीं और। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, और जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपका डर जो है वो निकल जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे आपका डर को निकालना है, तो डरने वाली बात नहीं है। 755 का प्राइस, जब किसी के लिए कोई कटौती नहीं की गई है तो आपको तो फायदा है ही है। और दूसरी चीज़, IPO की अगर बारीकी आप देखिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग IPO है, फंडामेंटल एसेट्स जो है वो, फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो अच्छे हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, जो एम्प्लॉय का डिस्काउंट है वो 75 रुपये का है, और अगर आप एम्प्लॉई हो तो डेफिनेटली आपको तो भाई कोई डरने वाली बात है ही नहीं। आई एम्प्लॉय के लिए तो 75 रुपये और सस्ते में आपको मिल रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें, कोई भी डिस्काउंट नहीं है। और IPO की जो लिस्टिंग डेट है वो मार्च 16 की है, IPO जो है आपके मार्च 13 को जो है शेयर्स अगर आपको अलॉट होने वाला है तो आ जाएंगे आपके पास। उसके लिए हम बाकी आपको बता देंगे कि कब चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, वो अगली वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेंगी। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना। अगर IPO ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है, समझ रहे हो, अगर ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है तो भाई आपको एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि या तो एक मिलेगा या नहीं मिलेगा, 2 भी करोगे 3 भी करोगे, जैसे आप रिटेल सेगमेंट में हो। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे बात ऐसी आती है कि आपको, जैसे कई लोग होते हैं एक डीमैट अकाउंट से उनका एक पैन कार्ड होता है, उसी से रिलेटेड 3-4 डीमैट अकाउंट होते हैं, तो उन सबसे अप्लाई करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि IPO में जो यूनिकनेस होती है वो पैन कार्ड से वो होती है, आपका जो यूनिक नंबर होता है वो पैन कार्ड होता है, यानी कि प्राइमरी की जो है वो पैन कार्ड है, तो आपको उस प्राइमरी की के बेसिस पर अलग अलग फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से ओपन करना है। ये नहीं कि आपके सिंगल पैन पे 4 डीमैट अटैच्ड हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो अलॉटमेंट होता है उसके लिए सिंगल पैन कार्ड के बेसिस पे लिया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ये आगे भी आपके काम आएगा। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपने IPO के लिए अगर आप सोच रहे हो तो अपने फैमिली मेंबर्स के मल्टीपल, जैसे एक एक अलग अलग फैमिली मेंबर्स के एक एक डीमैट अकाउंट ओपन करके रख लिया। आजकल तो इतना कोई पैसा लगता नहीं है डीमैट अकाउंट ओपन करने में, चाहे अपस्टॉक्स के थ्रू करो, जीरोधा के थ्रू करो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, कोई एक्सेस कोई चार्जेस ज़्यादा लगते नहीं। और एक IPO अगर आपका साल में 1 या 2 IPO भी लग गया तो वो जैकपॉट है। देखिए जैसे IRCTC का IPO जिसका लगा होगा वो जैकपॉट है, एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा लॉटरी थिंग है ये। आप देखें, और अच्छे IPO के लिए हर कोई अप्लाई करता है, तो आप भी क्यों ना करें, 2 मिनट की चाय आपकी वेस्ट होगी बस, और IPO में अप्लाई 2 मिनट में हो जाता है IPO में अप्लाई। तो ये आपने सारी चीज़ें देखी यहाँ पे SBI कार्ड्स के IPO के लिए। अब SBI कार्ड्स के IPO को भरना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे 755 का प्राइस जरूर है, 10,290 करोड़ के आसपास यहाँ पे रेज कर सकती है कंपनी। अगर मैं 755 के प्राइस बैंड की बात करूँ तो 10,355 करोड़ यहाँ पे रेज करने की कोशिश कर रहा है SBI।
चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट जो होती है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस आईपीओ के बारे में अपने को ही नहीं आपके फ्रेंड्स फैमिली उनके बारे में उनको भी बताइए कि हाँ भाई आईपीओ आ रहा है, अप्लाई कर ले, 2 मार्च से 5 मार्च तक है, क्योंकि भाई किसी का भी अगर लग जाए तो आपको ही दुआएं देगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।